नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। पर्यटक स्थल गुलमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। वहीं जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर में रात से ही तेज बारिश का दौर जारी है। बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते सर्दी का एहसास और बढ़ गया है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। साधना टॉप, जेट गली, राजधान पास, सिंथन टॉप, मर्गन टॉप, पीर की गली, फरकिया टॉप के साथ साथ पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। इसके अलावा सोनमर्ग, अफरवट और तोसा मैदान में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को पूरे दिन कश्मीर घाटी के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। उन्होंने बताया कि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में 5 इंच से अधिक बर्फबारी की संभावना है। हालांकि शनिवार को मौसम में हल्का सुधार आने की संभावना है, जो कि 16 नवंबर तक रहेगा। बिगड़े मौसम के मिजाज ने पहाड़ों को फिर बर्फ से लकदक कर दिया है। जम्मू संभाग के जिला उधमपुर के पर्यटन स्थल नत्था टॉप में ताजा बर्फबारी हुई है। कल शनिवार और फिर रविवार को दिवाली का पर्व है, ऐसे में जम्मू संभाग के सैलानी बड़ी संख्या में नत्था टॉप पहुंच रहे हैं। उधमपुर की तहसील चिनैनी में बारिश होने और हवाएं चलने से तापमान में काफी गिरावट आई है। ठंड में इजाफा होने से लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं इसी के चलते इस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। राजधान टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा गुलरेज सड़क को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद कर दिया गया। एक अधिकारी ने कहा कि राजधान टॉप पर करीब 1.5 इंच ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके कारण सड़क पर यातायात अस्थायी रूप से बंद है। उन्होंने कहा कि तुल्लैल समेत गुलरेज घाटी के ऊंचाई वाले कुछ हिस्सों में भी ताजा बर्फबारी हुई है। हिमपात के चलते सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आमद बढ़ जाती है। इससे पहले घाटी में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला और दोपहर के बाद कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। साथ ही मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिला। इससे ठंड में बढ़ोतरी हो गई। धन्यवाद।